दारजू में 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2 हजार मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। अब तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल रखी गई हो। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर जू शुरू से ही पशु पक्षियों के लिए अलग अलग कार्य करता आया है। पिछले दिनों निगम के बजट में जू के लिए भी करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए गए हैं। बजट आने को लेकर जू के कर्मचारियों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। प्राणी संग्रहालय को मिले करोड़ों रुपए के बजट से एक्वेरियम बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए चिड़ियाघर में स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। जू के मेन गेट के पास ये एक्वेरियम तैयार किया जाएगा। इस एक्वेरियम में शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2 हजार मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि निगम बजट में प्राणी संग्रहालय में बनने वाले फिश एक्वेरियम के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। यादव के मुताबिक इसके लिए तमाम एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। एक पूरी पैनल रहेगी जो कार्यों को लेकर दिशा निर्देश देगी और डिजाइन फाइनल करेगी। आने वाले 1.5 से 2 माह के अंतराल में काम शुरू करने की तैयारी है। निश्चित रूप से जो एक्वेरियम की बात हो रही है, एक्वेरियम के काफ़ी समय से हमारे दर्शकों के बीच तो डिमांड थी, साथ ही साथ माननीय प्रशासक महोदय और कमिश्नर महोदय का भी ये मानना था कि जू में जो एक्टिविटीज़ हो रही उसके साथ साथ एक एक्वेरियम भी होना चाहिए ताकि कलरफुल फिशेस जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, स्कूल के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है, तो एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एवेरी को डेवलप किया जो इंटरनेशनल मापदंड के हिसाब से जो हम लोगों ने बनाई है, जिसको लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया, तो उसी के तर्ज पर हम लोग चाह रहे हैं कि अब अगला स्टेप एक्वेरियम का लिया जाए और एक्वेरियम को भी उसी तरह से डेवलप किया जाए। तो पहली स्टेज में अभी बजट का प्रोविज़न भी किया है और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो भी एक्सपर्ट आएंगे उनसे कंसल्ट करके फिर उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके उसका एक अनुमानित जो प्रोजेक्ट कास्ट होगी वो निकालेंगे उसकी। और देखिए बजट के लेके तो अभी इनिशियली तो हम लोगों ने 5 करोड़ तो रखा है साथ ही, लेकिन बजट प्रोविज़न हमारा 50 करोड़ तक का है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। एक्वेरियम एक्सपर्ट की मदद से समुद्र जैसा खारा पानी तैयार किया जाएगा। एक्वेरियम और उसके पानी के लिए कुछ अनोखे प्रबंध किए जाएंगे ताकि मछलियों को वहां समुद्री एहसास हो सके। इसके लिए कुछ स्थानों पर पानी के टैंक बनाए जाएंगे। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।